यूथ कांग्रेस की ओर से शक्ति सुपर सी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश और जिला विधानसभा स्तर पर महिलाएं ध्वजारोहण करेगी। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति सुपर सी का पोस्टर विमोचन किया। भोपाल युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन आकाश चौहान ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में सुपर शक्ति सी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जिस शक्ति क्लब के माध्यम से महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में जो भी अगर मदद लगेगी, जिसमें वो सशक्तिकरण एवं जिस भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें शक्ति क्लब के माध्यम से हम उनकी मदद करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी सोच है। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम की शुभारम्भ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमेशा से महिला सशक्तिकरण एवं उनको बराबरी की हिस्सेदारी साझेदारी देने की सोच रही है। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए युवा कांग्रेस ने बेंगलुरु अधिवेशन में सुपर शक्ति शी नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सुपर शक्ति शी नाम के कार्यक्रम का शुभारम्भ 15 अगस्त को होने जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में महिलाएं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए ध्वजारोहण करेंगी एवं सुपर शक्ति शी कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए हमने एक शक्ति क्लब की स्थापना करने जा रहे हैं, जिस शक्ति क्लब के माध्यम से महिलाओं को जो भी उनके करियर में या उनको जो भी साझेदारी सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास करेंगे, मदद करेंगे और उससे उसके माध्यम से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। इसी प्रयास को लिए लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा निरंतर हैं और उन्होंने इसीलिए युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश भारतीय युवा कांग्रेस में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए। आकाश चौहान, चेयरमैन मीडिया विभाग भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।